वेलकम बैक टू माय चैनल शिवमोहनी। सभी को राधे राधे हरे कृष्णा। तो अब मैं अपने ठाकुर जी का आपके साथ श्रृंगार शेयर करूंगी। जैसा कि हमारे प्रथम वर्ष कांड पर हमने अपनी राधा रानी का श्रृंगार किया था, अब मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार आपको करके दिखाने वाले हैं। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर श्रृंगार आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, हमने इतनी चीज़ें जो है इनके लिए बना करके तैयार की हुई हैं। अब चलिए मैं अपने ठाकुर जी को उनकी ये पोशाक पहना देती हूँ। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी ने ये ड्रेस जो है पहन ली है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको पूरा इनका ओवरलुक पहले दिखा देती हूँ। इनके ऊपर भी ब्लू कलर जो है बहुत ही सुंदर आ रहा है। ये ब्लू एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन पे ड्रेस हमने तैयार की हुई थी और आपके साथ पहले हमने शेयर भी किया था कि हम क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वर्ष कांड के लिए। तो देखिए, हमने अपने ठाकुर जी को उनकी ये ब्यूटीफुल ड्रेस जो है पहना दी है और हमारी राधा रानी तो पहले ही तैयार हो गई हैं। अब हम अपने ठाकुर जी को जो है श्रृंगार करते हैं। तो देखिए, हमने अपने ठाकुर जी का इनका जो पटका है उसे सेट कर दिया, जैसा कि हमने अपनी राधा रानी का पटका उन्हें पहनाया था वैसे ही हमने इन्हें पहना दिया है। तो बिल्कुल राधा रानी का जैसा ड्रेस था वैसे इनका भी है। थोड़ा सा ड्रेस स्टाइल पे बस डिफरेंस है, बाकी लगभग सारी चीज़ें जो हैं कलर कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें सेम है। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी को हम ये इनका लॉन्ग नेकलेस पहना रहे हैं। इनका लॉन्ग नेकलेस थोड़ा बड़ा होता है राधा रानी के कंपैरिजन। तो इस प्रकार से मैं इन्हें जो है सेट कर दूंगी इनका नेकलेस। अब हम इनको इनका चोकर नेकलेस पहनाएंगे। तो मैंने अपनी राधा रानी का जब चोकर नेकलेस बनाया था तो आपने देखा होगा उनके श्रृंगार पे, उसमें हमने घुंघरू लगाए थे। इस कान्हा जी के इस चोकर में हमने घुंघरू नहीं लगाए हैं। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से इनको जो है नेकलेस पहना दिया है और बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम इनको इनके कंगन पहनाएंगे। ये देखिए, हमने बहुत नॉर्मल से इनको कंगन पहनाया है, जैसा कि इनका ड्रेस का जो स्टाइल है और जो कलर कॉम्बिनेशन है कुछ इस प्रकार से हमने इन्हें पहना दिया है। राधा रानी का जो कंगन था वो हमने थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ। तो ये रहे हमारे ठाकुर जी के नजरिए। अब हम इन्हें इनके नजरिए पहना देते हैं दोनों हाथों में। ठाकुर जी का आगे का श्रृंगार करेंगे। तो अब हम इनको इनके इयररिंग पहना देंगे। इनके इयररिंग इनके हिसाब से बहुत ही छोटे से हैं और इसमें हमने घुंघरू लगा दिया था। हम इस इयररिंग को इनके लिए स्पेशल ग्लू आता है, हम उसी से इनको जो है इनके सारे जो श्रृंगार हैं उन्हें हम आसानी से सेट कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनको जो है इयररिंग पहना दिए हैं। तो हमने ठाकुर जी को इनके नज़रिए पहना दिए हैं। अब हम इनको यहाँ पर इनकी फिंगर रिंग पहनाएंगे, जैसे कि हमने अपनी राधा रानी को पहनाया था। चलिए हम इनको दोनों हाथों पर इनकी प्यारी सी फिंगर रिंग पहना देते हैं। चलिए हम अपने ठाकुर जी को इनकी पग बांध देते हैं। मैं यहाँ पर पग बांधने के लिए गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स ले रही हूँ, तो इसी से मैं इनकी पग बांध दूंगी कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इनकी हेयर विग लगा देते हैं, इसके बाद हम इनकी पग बांध देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी ने अपनी पग को जो है बहुत अच्छे से बंधवा लिया है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी जो है इनकी पग में जो अटैचमेंट वगैरह जो है इन्होंने बहुत आराम से सेट करवा लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पग को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक बड़ा सा फ्रिल और कुछ अटैचमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो है पग बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इनको इनका तिलक लगा देंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से आज इनका हमने तिलक लगा दिया है इन्हें, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है।
हमारे ठाकुर जी का ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का जो तिलक है बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए हमारे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज, इनकी जो मुस्कान है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब हम इन्हें ये स्टोन यहाँ पर रख देंगे। ऐसा मैं यहाँ पर चिन पे भी इनको जो है स्टोन रख दूंगी, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आता है हमारे ठाकुर जी का। तो इस वीडियो में हमने आपको पग बांधना नहीं बताया है, पर आगे चल करके हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल्स दे देती हूँ कि मैंने कैसे पग इनकी बांधी हुई है। तो पग के लिए सबसे पहले हमने स्ट्रिप्स ली थी गोल्डन कलर की, जो कि बहुत ही लंबी स्ट्रिप्स थी, तो हमने उसी से जो है इनकी जो पग को बांध दिया था। और यहाँ पर मेरे पास कुछ हैवी अटैचमेंट थे जो कि मैंने इनकी पग के लिए बनाए हुए थे। तो इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी का जो है श्रृंगार वो कंप्लीट होता है। हमने इनको इनकी बांसुरी भी दे दी है जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर हमने इनको मोरपंख भी जो है लगा दिया है। यहाँ पर आप जो ये मोरपंख वाला अटैचमेंट देख रहे हैं, इसका वीडियो भी अपलोड है चैनल पर। तो आप अगर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो पग अटैचमेंट का वीडियो पे आपको ये आराम से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए हमारे ठाकुर जी का जो आज श्रृंगार हुआ है वो बहुत ही सुंदर हुआ है। हमारी राधा रानी का भी श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ था। जब भी आप अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो उनको कुछ हैवी पग जैसे आप पहनाते, तो उनसे जो उनका श्रृंगार है बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर हमने बहुत लंबी स्ट्रिप्स ली थी इनके लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो बहुत ही सुंदर आता है, ऐसी पग जब आप बनाएंगे तो भी बहुत प्यारे लगेंगे ठाकुर जी। तो मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले अब जो श्रृंगार की वीडियो है मैं उसमें आप सभी को पग को बांधना भी बताऊँ, जिससे कि आपको जो है और अच्छे से समझ में आ सके। आप चाहें तो अपने ठाकुर जी को परमानेंट वाली जो पग आती है मार्केट में वो भी इन्हें पहना सकते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। और हाथ की बनाई हुई इस प्रकार की पग भी जो है हमारे ठाकुर जी के ऊपर बहुत खूब जचती है। तो कुछ इस प्रकार से हमने इनका जो श्रृंगार किया हुआ है। आप जब भी इनको धोती पहनाते हैं तो धोती को उनके पैरों पर अच्छे से सेट करें, जिससे कि एक्चुअल में जिस प्रकार से ड्रेसेस बनती हैं उससे और भी ज़्यादा सुंदर लगता है जब हम उन्हें और अच्छे से पहनाते हैं। तो बहुत सी कमेंट्स आती हैं कि आपने जो ड्रेस पहनाया उसे कैसे पहनाया। तो जब आप पहनाते हैं तो इसका एक तरीका भी होता है, तो आप उसे जो है पिन से या किसी भी चीज़ से अटैच कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है बस। हाँ, जब अब भी आप इन्हें धोती पहनाएं तो इतना ज़रूर ध्यान दें कि दोनों पैरों पे जो है इनकी धोती बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, जैसा कि हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार में आप देख रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने इस वीडियो पे आप सभी को थोड़ा सा बताई हुई हैं कि किस प्रकार से आप और अच्छा श्रृंगार कर सकते हैं। बाकी ठाकुर जी तो अपना श्रृंगार अपने तरीके से करवा ही लेते हैं, हम कौन ही होते हैं उनका श्रृंगार करने वाले। हमारे ठाकुर जी का आज जो श्रृंगार हुआ है बहुत ही सुंदर हुआ है और हमें काफ़ी आनंद आया। आई होप आप सभी को भी आनंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है shivmoni14, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल जवाब होते हैं मैं वहाँ पर ईजिली आप सभी को उसके आंसर दे पाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही भव्य श्रृंगार और श्रृंगार दर्शन के साथ, और ऐसे ही आप सबका साथ हमारे साथ बना रहे, यही मेरी आशा है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।